हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्यूस इंडिया। और आज के सेशन बच्चों हम लोग हमारा है ना डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वन। आइए देखें किस किस तरह के क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ें। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड, है ना। तो ये इस तरह की जो रेट होती है बच्चों, ये कौन सी रेट हो गई आपके, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या बोला था बच्चों, जिस भी टाइम पर आपको बोला जाएगा है ना, उस टाइम पर क्या होगा बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करेगा और उसका उस टेंजेंट का स्लोप लेना है। तो आप देख सकते हो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है बच्चों, है ना, ये टेंजेंट, और इसके दो पॉइंट दिए गए हैं, एक 5 और एक 10। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट मतलब कंसंट्रेशन जो है वो 10 है, और नीचे अगर मैं चेंज इन टाइम देखूँ मतलब इस दौरान, तो 5 है कंसंट्रेशन किस पर बेटा, 0 पर, और ठीक है ना 15 कंसंट्रेशन है टाइम 20 पर। तो 10/20 मतलब मेरा सीधे सीधा आंसर हो गया। अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। मुझे पता है कि बच्चा ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ करता है बेटा, क्योंकि हमें भी है ना, मुझे 21 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लगभग मैं 40,000 बच्चे तो ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, हम बता चुके थे आपको थ्योरी में भी, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी अप्रोच भी आ गई। चलिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन अगर वे नेगेटिव साइन इंडिकेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, दस एक्स इज टू वाई का रेशियो बताओ। कुछ नहीं करना बेटा, पॉइंट सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग टू लिख सकता हूँ। और अगर मैंने इसे लॉग टू लिखा तो अब मैं पूरी तरफ से क्या कर दूँ बेटा, पहले लॉग ए प्लस लॉग बी को ले लूँ, एंटी लॉग ले लूँ, लॉग घट जाएगा, लॉग घटते ही हमारे पास रिलेशन आ गया माइनस डी ए बाई डी टी मतलब 1/2 ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी। मैं सेम क्वेश्चन क्लास में आपको शायद इक्वल क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये हो गया बेटा, तो यहाँ से हमें पता पड़ गया एक्स इज टू वाई का रेशियो 2:1 मतलब हमारा आंसर विल बी बॉम्बे, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन अगर 100 ग्राम पर मिनट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 आपको मैंने सीधे सीधे बोला था बच्चों, ठीक है। पहले तो रिलेशन देख लो बेटा, RO2 इज हाफ ऑफ RSO3, RO2 इज हाफ ऑफ RSO3। और उसके बाद क्या टेक्निक बोली थी, हाफ जिस अगर ग्राम में गिवन होती, अगर ये ग्राम में नहीं है बेटा मोल में होती तो सीधे हाफ इंटू 100 आंसर हो जाता 50, बट ध्यान देना वो मोल में होता तब। तो उसके लिए क्या टेक्निक बोल दी थी, जिसका गिवन है बेटा उसके मोलर मास से डिवाइड करो, तो SO3 का मोलर मास है कितना 80, और जिसका पूछा है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। बस इतना सा आपने मेरी बात मान ली, आपका क्वेश्चन खत्म, है ना। 8 4 जा 32, 2 2 जा 4, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 ग्राम पर मिनट, है ना। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मुझे यही समझाना है कि कितनी स्पीडली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और आपको पता है बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो, ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट, अगर dx/dt इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ए है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बी है। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, रेट इज 4 टाइम्स, तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला बताया था आपको, चेंज इन रेट दैट इज 4 इक्वल्स टू चेंज इन कंसेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, यहाँ से मुझे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता पड़ गया कितना बच्चों, 2, है ना। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज मेड 4 टाइम्स, रेट इज डबल, अब उल्टा हो गया, यहाँ डबल हुई है बच्चों और यहाँ पर 4 हुआ है, 4 की पावर बी, है ना, मतलब यहाँ से मुझे पता पड़ गया कि बी का कोएफिशिएंट कितना है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1/2, है ना, इसे 2 की पावर 2 भी लिख के भी निकाल लिया। अब बोल रहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली तो गलत है बेटा, व्हाई, क्योंकि कोफिशियंट को हम ऑर्डर बना रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन शुड बी सिंपल, और सिंपल रिएक्शंस के लिए रूल होता है बच्चों ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर। तो और उसमें अगर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर है तो मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, बट हर बुक में बेटा ये क्वेश्चन गलत चला आ रहा है। इवन एक आध बार हमारी एग्जाम ने भी क्वेश्चन गलत दे दिया था, एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दी थी और उसके बाद क्वेश्चन में आगे रायता फैला दिया था, वो भी कर चुके हैं। तो अब मेरा जो काम है बेटा आपको सही सही समझा देना कि यहाँ पर हम इस रिएक्शन को 2A प्लस क्या हाफ बी, अभी आंसर बोलो, मैं करेक्ट आंसर बोलूँगा इसका डी, नन ऑफ दी, ठीक है। बट मुझे पता था कि डी नहीं होगा, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ इन्होंने किस लॉजिक पे बोल दिया है। और अगर आप ये रिएक्शन ये लिख रहे हो तो आप लिखोगे हाफ ऑफ क्या, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1/1/2 जो 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ माइनस, है ना, डी बी बाई डी टी, ठीक है जी, वो माइनस की जगह मेरा प्लस हो गया है, हटा दूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस डी बी बाई डी टी,
और उसने इन्हीं दोनों के बीच का आपसे रिलेशन पूछा है, तो 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4, इसलिए उसने ऑप्शन बी को करेक्ट दिया है। बट मेरी नज़रों में ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली ही गलत हो चुका है, क्योंकि ऑर्डर कोफिशेंट के बराबर होने का मतलब रिएक्शन मस्ट बी सिंपल, और सिंपल रिएक्शन में कभी भी मोलिक्रिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। चलो, फॉर द रिएक्शन दिस द रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वे, N2 के लिए K1 into this, है ना, फिर H2O के लिए K into this, NO के लिए K1 dash और H2 के लिए K1 double dash। अब इन सबके बीच का रिलेशन बोल रहा था बच्चों, है ना, तो आई होप बेटा मैं दोबारा डिराइव तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब मैं आपको थ्योरेटिकली समझा चुका हूँ कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है, उस सब्सटेंस के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको क्या करना होता है, डिवाइड। KR इज नथिंग बट K ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो अगर मैं इसको रिएक्ट लिखता बेटा KR इक्वल्स टू NO का रेट कांस्टेंट देखो कितना है बेटा K1 डैश, तो K1 डैश को मैं 2 से डिवाइड करता, फिर H2 का है कितना K1 डबल डैश, उसको भी मैं किससे डिवाइड करता बच्चों 2 से, है ना, इक्वल्स टू N2 का रेट कांस्टेंट कितना है K1, तो बाय 1 करता, क्योंकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और H2O के लिए बच्चा H2O के लिए क्या है K, और किस K को मैं डिवाइड करता किससे 2 से, है ना, इस K को मैं किससे डिवाइड करता बच्चों 2 से। अब अगर मैं इसको 2 कर दूँ, नीचे भी 2, तो ये सब कैंसिल, वॉट रिलेशन आई एम गेटिंग, के इक्वल्स टू 2K1 इक्वल्स टू K1 डैश इक्वल्स टू K1 डबल डैश, जो मुझे सीधे सीधे ऑप्शन किस में नजर आ रहा बी, है ना। देखने में बड़ा ही डरावना भयंकर क्वेश्चन, बट हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। आई मेरी बात सभी को समझ में, तो देखने में भले आपको डरावना लग रहा हो बट आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलो, फॉर द रिएक्शन पी ए प्लस क्यू बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज आर इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर m, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है इनमें से क्या सही है, ठीक है। तब देखो, पी प्लस क्यू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट का सम है, और 1 प्लस m कर दूँ तो 1 प्लस m क्या है बच्चों, 1 प्लस m है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हम डायरेक्टली कोई रिलेशन बोल सकते हैं बेटा, कुछ नहीं। तो P प्लस क्यू मे और मे नॉट बी इक्वल टू 1 प्लस एम, हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या बच्चों, आपका सी। हाँ, अगर मैं रिएक्शन सिंपल बोल देता तब मैं पक्का बोलता कि P प्लस क्यू का सम किसके बराबर होता, 1 प्लस एम के। राइट नाउ मैं नहीं बोल सकता था बेटा, ये सिंपल के केस में ना, इन जनरल मुझे पता नहीं है कि रिएक्शन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, तो मैं करेक्ट ऑप्शन अपना सी ही दूंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था वो भी। फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मेरा रेट लॉ क्या हो गया बेटा, आर इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, है ना। नाउ व्हाट इज माई क्वेश्चन, इफ वन मोल ईच ऑफ ए एंड बी इंट्रोड्यूस इन टू 1 लीटर वेसल और इनिशियल रेट इतना है, देन रेट व्हेन हाफ रिएक्टेंट्स हैव बीन टर्न्ड इनटू प्रोडक्ट। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों। पहले आपको दोनों का कंसेंट्रेशन 1:1 है, ठीक है ना, वॉल्यूम का वेसल 1 लीटर है, तो इनिशियल रेट जो दी गई है बच्चों उससे बेसिकली आपको के पता पड़ गया, है ना, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो मुझे पता पड़ गया मेरी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 10^-2 है। अब बोल रहा है तब की रेट बताओ जब हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा चुके, सिंस ये दोनों 1:1 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका आधा खत्म हुआ तो इसका भी आधा, तो नई रेट जो मुझे निकालनी है बेटा उसके लिए रेट कांस्टेंट जो 10^-2 है, इंटू ए का कंसंट्रेशन जो हाफ है, इंटू बी का कंसंट्रेशन जो हाफ का स्क्वायर है, तो 1/8, और 1/8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए 1.25 इंटू 10^ कितना -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन टॉप क्लास के हैं अभी तक के सभी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चलो, रेट कॉन्स्टेंट इज न्यूमेरिकली सेम फॉर 3 रिएक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग ऑल रिएक्शन ऑफ द काइंड ए गिव्स बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 3 अलग अलग रिएक्शन है बच्चों, एक फर्स्ट ऑर्डर की है आर इक्वल्स टू के इंटू ए, ठीक है ना, एक सेकेंड ऑर्डर की है तो उसके लिए के इंटू ए का स्क्वायर, और एक है थर्ड ऑर्डर की तो के इंटू ए का क्यूब, ठीक है। अब उसने बोला रेट कॉन्स्टेंट जो है बेटा
वो न्यूमेरिकली सेम है, के सबका सेम है, कंडीशन पूछ रहा है बच्चों, है ना। देखें अगर ए को मैंने वन ले लिया, तो ए को वन ले लिया बेटा, तो सबका आर किसके बराबर हो गया, के, तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। अगर आप ए को वन से छोटा लेते हो बेटा, तो वन से छोटा नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर और छोटा, उसका क्यूब और छोटा, मतलब तब आर थ्री वाली है ना, इसको मैं आर वन आर टू आर थ्री लिख दूँ, ठीक है, तो आर थ्री वाली रेट क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए को वन से बड़ा लिया, तब आर थ्री ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन आर वन, मतलब क्या हो गया बच्चों, क्योंकि हमें पता है बेटा, मान लो टू लिया होता आपने, है ना, तो ये टू है, ये टू का स्क्वायर फोर, ये टू का क्यूब एट, तो ऑब्वियसली तब आर थ्री वाली रेट क्या हो जाती, सबसे ज़्यादा हो जाती, तो इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा बच्चों, डी, ऑल, सभी ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं। अगेन अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको उसने सभी कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया बेटा, टेस्ट कर लिया। इनफैक्ट आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ बेटा, केमिकल काइनेटिक्स इज मोर टूवर्ड्स मैथमेटिकल अप्रोच, है ना, इसमें हमें लिमिट भी यूज़ करनी पड़ी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी पड़ी हैं बच्चों, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, तो आपको मैथमेटिकली ग्राफ की हमने खूब सारी बातें करी हैं, वो सब चीज़ें बेटा आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन इज डी, अ नाइस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अभी तक के नाइस है ना, ये तो देखो बवाल हो गया बेटा। फॉर द केमिकल रिएक्शन ए इज प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज गिवन बाय दिस, एट लो सी ए कंसंट्रेशन इज ऑफ ऑर्डर एंड रेट कॉन्स्टेंट, लो सी ए बोला है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो सी ए, कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, मतलब सी ए जो है टेंडिंग टू जीरो है, अगर सी ए टेंडिंग टू जीरो है तो के टू सी ए भी कोई नंबर ही जीरो की तरफ जा रही बेटा, तो उस नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, जीरो की तरफ ही जाएगी, मैंने बोला ही मैथमेटिकल चैप्टर है, देखो उसने अगले ही में आपको यूज करा दिया, तो इसका मतलब वन प्लस के टू सी ए जो है वो टेंडिंग टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वन, तो इस एक्सप्रेशन में नीचे में क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, वन, और वन पुट कर दिया तो अब मेरे लिए बचा क्या, माइनस ऑफ डी सी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के वन इंटू सी ए, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन मुझे किस ऑर्डर की नज़र आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर की, जिसका रेट कॉन्स्टेंट है कितना, के वन, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे। वेरी भैया, नौ के नौ क्वेश्चन अभी तक टॉप क्लास है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के, आपकी टेस्टिंग करने के लिए सभी क्वेश्चन टॉप क्लास हैं अभी तक के, ठीक है जी। चलिए, इन द फॉलोइंग ग्राफिकल, है ना, ये भी अच्छा लग रहा देखने में, रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, देर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन, दो रीजन शो करे गए हैं, वन एंड टू बोथ रिप्रेजेंट काइनेटिक रीजन एट डिफरेंट इंटरवल, काइनेटिक रीजन का मतलब बताओ बेटा, जब तक रिएक्शन चल रही है ना, तो अब एक टाइम के बाद उसने बोला है कंसंट्रेशन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, तो मतलब ब्लैक वाला रीजन इक्विलिब्रियम होना चाहिए और ये वाला होना चाहिए काइनेटिक, है ना। वैसे भी आप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के प्रोडक्ट की बात करते हो ना, एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होता है वो फास्टर रेट पर बनता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो इक्विलिब्रियम से डील करता है, ये इक्विलिब्रियम है, ये काइनेटिक्स पार्ट है, ठीक है ना। तो वन एंड टू बोथ रिप्रेजेंट, बोथ वाला तो हमें देखना ही नहीं बेटा, है ना, वन रिप्रेजेंट काइनेटिक, ठीक है, वाइल टू रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो गया। ये भी अपने आप में एक टॉप क्लास क्वेश्चन ही है जो आपकी टेस्टिंग के लिए डाला गया है, ठीक है। चलिए, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए से टू बी, इतना मोल पर लीटर पर मिनट, है ना, रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट सजेस्ट कर रही है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट से भी हमें इतना दिमाग आपका दौड़ना चाहिए, है ना। माइट भी आपको लगता होगा कि हम लोग टीचर्स लोगों को तो सवाल रटे रहते हैं, बेटा ऐसा कोई भी रूल नहीं है, हमें रटे हुए नहीं रहते बेटा, हम भी पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, हम इतनी बार थ्योरी पढ़ा चुके होते हैं, इतने सवाल देखे होते हैं, तो हमारा पूरा अटेंशन रहता है क्वेश्चन पर, और उस अटेंशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको समझना है कि उतना आपका भी होना चाहिए, है ना। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट्स, ठीक है। तो हम भैया, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, क्या फॉर्मूला होता है, 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT। हम पहले ए का ही कंसंट्रेशन निकालेंगे, क्योंकि हमारे लिए सेकेंड ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1/80 मुझे निकालना है, इक्वल्स टू 1/A0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए का 1 है तो 1 ही हो गया, प्लस के है 10^-3 इंटू टाइम, है ना भैया, देखना है ये मिनट में ही है, इधर 100 मिनट है, तो इंटू 100 कर दूँ, तो मुझे यहाँ से पता पड़ गया बच्चों 1.1, ओके, ठीक है। तो ये हो गया किसका, सॉरी ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, हाँ सही तो है,
तो इससे हमें तो 80 की वैल्यू चाहिए ना बेटा। 80 की वैल्यू हो गई 1/1.1, मतलब 10/11, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.9। अब 0.9 का मतलब क्या बेटा, 1 था 0.9 हो गया, मतलब इसका 0.1 खत्म हुआ, इसका 0.1 खत्म हुआ, तो सिंस 1:2 का रेशो है तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। अगेन अ गुड क्वेश्चन, अभी तक के तो ये सभी क्वेश्चन मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। चलो, अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम इतना है, कंटेंट इतने मोल ऑफ एच प्लस, ठीक है। इफ रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच प्लस इतने मोल पर लीटर पर सेकेंड है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर एच प्लस इन अ ड्रॉप टू डिसअपीयर। अब बेटा इस क्वेश्चन में बच्चा सर ऑर्डर क्या है, क्या है क्या नहीं है, ऑफलाइन में लगभग हर बार ही पूछता है क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप डायमेंशनली भी चेक कर लो ना, 10^7 क्या बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने मोल डिसअपीयर हो रहे हैं 10^7। मान लो मैं उस पूरी ड्रॉप को डिसअपीयर, तो टी टाइम में वो डिसअपीयर हो रही है, तो टी टाइम्स में कितने मोल्स उसके डिसअपीयर हो जाने चाहिए, है ना। एक सेकेंड में अगर 10^7 है तो टी टाइम में 10^7 × t। अब इसको मैं, मेरे पास टोटल कितने मोल्स अवेलेबल थे उससे इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास एक ड्रॉप थी जिसका वॉल्यूम है 0.05 ml, ठीक है ना, और उसमें मोल्स थे 3 × 10^-6, ठीक है जी। तो ये इधर की यूनिट क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर, तो उधर की यूनिट भी मोल पर लीटर करना पड़ेगी, ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम, 0.05 ml है मतलब 5 × 10^-2 ml, बट लीटर में बदलूंगा तो 5 × 10^-5, तो ये हो गया 10^-1, मतलब 6 × 10^-2, तो आपके लिए टी की वैल्यू हो गई है ना कितना, उधर जाएगा ये अगर 10^7 हो तो 6 × 10^ कितना बच्चों, -9, मतलब ऑप्शन सी। ये भी तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो अटके ही हो गए। प्लीज़ इन सेशंस को पहले आप सॉल्व करें बेटा, उनके बाद सॉल्यूशन देखे। चलो, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम ऑफ द रिएक्शन ए टू बी इज ऑफ द टाइप, है ना, ये दिया है। अगर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है बेटा प्रोडक्ट का ग्राफ टाइम के साथ, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हैंस ग्राफ बिटवीन -dA/dt दैट इज रेट वर्सेज टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट होती है, तो सीधे सीधे ऑप्शन हो गया सी। अगेन गुड क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का। चलिए, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन हैविंग लॉग टी 50 और लॉग ए का ग्राफ ऐसा, है ना। अब देखो, तुरंत हमारे दिमाग में चलना चाहिए बेटा, जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला था a₀/2k, है ना, मतलब टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लॉग लेने पर भी वही होगा, तो अगर मैं लॉग ले लेता हूँ लॉग टी हाफ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/2k प्लस लॉग ऑफ क्या ए नॉट, आपको इन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ दिया है, इसे वाई मान लो बेटा, इसे एक्स मान लो, तो वाई बराबर सी प्लस एक्स टाइप का ग्राफ है, तो आपसे उसने क्या बोला है बच्चा, क्या क्या पूछा है, ऑर्डर, ऑर्डर तो साफ साफ दिख के जीरो। दूसरा है बच्चों, उसने आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, रेट कांस्टेंट, तो स्लोप दिया है 45, 10^45 होता है कितना 1, है ना, अच्छा सॉरी, इंटरसेप्ट दिया है कितना बच्चों 0, इंटरसेप्ट 0 है मतलब लॉग 1/2k की वैल्यू 0, मतलब ये तभी संभव है जब 1/2k की वैल्यू 1 हो, दैट मीन k की वैल्यू हाफ हो, तो इट इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, ए वाला, ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो, फॉर ए रिएक्शन 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, रेट लॉ इज -dA/dt के, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, एट ए टाइम वेन टी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेन सी नॉट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्षमा चाहूंगा आपसे ना, मेंशन नहीं है, बट हाँ मैं मॉडिफाई जरूर कर सकता हूँ, एट ए टाइम वेन टी इक्वल्स टू, है ना, 1/k, मेरे हिसाब से ये होगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो आंसर भी आपको बता दे रहा हूँ, सी नॉट ए होगा, सी नॉट बाई, है ना सर, कैसे इसका मतलब आपको रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं बेटा, देखा हुआ है क्वेश्चन मेरा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, है ना, तो हमारे पास ए टी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, टी को अगर मैं 1/k रख देता हूँ तो के और के कैंसल, मतलब बचेगा क्या, ए नॉट बाई, तो मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा था कि देखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक, तो इसलिए उसको करेक्शन भी कर लेना आंसर ही। चलिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, टू सब्सटेंसेज ए जिसका टी हाफ है 5 मिनट, बी जिसका टी हाफ है 15 मिनट, आर टेकन इन सच ए वे
दैट इनिशियली ए और ए का कंसंट्रेशन 4B है, किस टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। अब आप इसे चाहें तो बेटा नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर से भी कर सकते हो, बट मेरी टेक्निक सुनना, शुरू का ए तो है ना, अगर बी का कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूँ, चलो मैं वे में लिखते, बी का कंसंट्रेशन मैंने शुरू में एक्स माना बच्चों, तो ए का कंसंट्रेशन कितना 4x, ठीक है। अब ए का टी हाफ है 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद ये कितना हो गया 2x, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 5 मिनट के बाद कितना हो गया x, अगले 5 मिनट के बाद कितना हो गया x बाय 2, और ये सीधे 15 मिनट के बाद ही कितना हो गया x बाय 2, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, हर बार आधा आधा होने में टाइम सेम लगता है, तो 5 मिनट में 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, तो आप देख लो 15 मिनट के बाद दोनों के कंसंट्रेशन क्या होगा इक्वल, ठीक है। इसलिए आपका आंसर भी 15 मिनट, ठीक है। सर ऐसा थोड़ा लंबा होता तो बेटा ज़्यादा था, एक बार और करना पड़ जाता, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और करना पड़ जाता, इससे ज़्यादा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को धड़ से ऐसे ही करना, ठीक है। तो आई होप बेटा ऑल द 16 क्वेश्चंस वर ऑफ टॉप क्लास, आपकी एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, तो आपको है ना डिस्कशन में मजा आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।